Good morning, all of you. आज मैं मॉर्निंग असेंबली में एक समाज और राष्ट्र की आर्थिक शक्ति, समाज की आर्थिक शक्ति तो मैं चर्चा करूँगा। किसान किसान की चर्चा लंबे समय से चलती रही है। किसान प्रदर्शन, किसान संगठन, किसान नेता और किसानों पर संसद और विधानसभा में चर्चा इस तरह की, और किसान मेले, तरह तरह की बातें चलती रही हैं किसानों की समस्याओं के नाम से। किसान की सिर्फ समस्या दो है, वो दो समस्या हल होते ही बाजार, समाज, ग्राम्य विकास और राष्ट्र के साथ साथ समाज की आर्थिक तरक्की भी सुनिश्चित हो जाती है। भारत के पास कृषि क्षेत्र दो चीज़ों के लिए तरस रहा है, पिछड़ा पड़ा है। पंजाब हरियाणा ने कुछ छलांगें लगाई, उनके राज्य सरकारें साधुवाद के पात्र हैं कि इन्होंने कृषि क्षेत्र में काफ़ी भूमिका निभाई है। अभी भी काफ़ी काम बकाया है, परंतु इन लोगों ने कभी सहकारी बैंकों के मार्फत ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड भी देरी से अस्तित्व में आया। पंजाब हरियाणा का स्तर राष्ट्रीय स्तर से बहुत आगे है। मैं बात आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और विशेष रूप से गुजरात की करूँगा। बहुत बड़ा भारत का कृषि भूखंड कृषि विकास से भी दूर बैठा है। बहुत बड़ा भूखंड, अन्न उत्पादन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसान को तकनीकी और विकसित नस्ल की फसलें उगाने के लिए और बागवानी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको बड़े पैमाने पर धन की ज़रूरत है। धन सहयोग के रूप में ज़्यादा सब्सिडाइज करने की ज़रूरत नहीं किसान को। किसान को सस्ती दर पर लोन ही चाहिए। ये सब्सिडियाँ ज़्यादातर जो है वो पुराने को होती, फवारा विक्रेता था, कुछ किसान तक कम पहुँचने देते हैं, कभी इस तरीके की ढेर सारी बातें आती हैं। और मुख्य बात यह है, कौन कहाँ रखता उसको छोड़ी, मैं उस बात पर नहीं जाऊँगा। काली व्यवस्था की तरफ नई नई अन्य बातें जुड़ जाती है उसके साथ। प्रमुख बात यह है कि सिर्फ अब किसान को ऋण सुनिश्चित कर दीजिए कि एक एकड़ किसान कुछ अपनी तरफ से भी इस राशि तक, ये हजारों से काम चलने वाला नहीं है आजकल। एक एकड़ को विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ। एक एकड़ एक परिवार का नहीं कि परिवारों का पेट भर देगा। फोलिया उसकी जानकार लोगों से मैं कहता हूँ कि उस चैनल पर आए, बताएं, बात साझा करें। एक एकड़ क्षेत्र का डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, बगीचा या बाग की और पोली हाउस, सब्जी और फल उत्पादन का केंद्र, एक एकड़ का कितना धन लगता है। लोगों को पोली हाउस के सिस्टम में डेवलप करना होगा, ढालना होगा। भारत सब्जी और फल का बहुत बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरेगा। सरकार को सिर्फ दो चीज़ों मदद करनी है किसान की, ऋण का प्रवाह सुनिश्चित आसान कर दिया जाए। किसान के साथ ऋण के मामले लेकर बहुत परेशानी है, इतनी ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज और ट्रेंड भी नहीं है, और है तो प्राइवेट क्षेत्र के बैंक तो उसमें रुचि नहीं दिखाते। मैं ये भी कहूँगा, विशेष प्राइवेट बैंकर्स को कहूँगा, उन्होंने किसान के साथ अभी हमदर्दी नहीं दिखाई है। सिर्फ और सिर्फ सेवा क्षेत्र के लोगों का आधार बना रहे हैं,
1 लाख सैलरी, 2 लाख हरी, 4 लाख हरी, वो उनसे संपर्क करते हैं, ऋण देते हैं, सुरक्षित ऋण बताते हैं उसे, वो हाथ आजमाए। किसान का ऋण पहुंचते 4 चीज एक साथ मजबूत होनी है, खुद किसान, मजदूर। जब किसान के पास पैसा आता तो सबसे अधिक लाभ किसान के साथ साथ मजदूर और व्यापार जगत को होता है। मैं इसके लिए व्यापार जगत से कहूँगा, वो खुल कर साथ आए हमारे। उद्योग जगत, व्यापार जगत कहते हैं, किसान के पास तो पैसा आता अपनी फसल बेचकर या अन्य साधनों से जब आय होती है, तो बाजार की क्रय शक्ति उसकी बड़ी मजबूत है, भरपूर उपयोग करता है किसान क्रय शक्ति का। मैं आज ये अर्थशास्त्र के छात्रों से बता रहा हूँ, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, इस चीज़ को प्रचारित प्रसारित करें। किसान का स्वभाव बाजार में धन लुटाना होता, लुटना नहीं होता, जो उसके जेब में आता है तो जी भर कर लुटाता है, और व्यापारी से साथियों को पता है बार्गेनिंग कम से कम करता है, वो भाव पूछता है वस्तु, अपने ट्रैक्टर रखने वाले की कितने हो गए, इन बार्गेनिंग ज़्यादा उसका विश्वास नहीं है, वो कहता है कम जा 2 पैसे ज़्यादा लगा दिए, कोई बात नहीं है, कम कर देता क्या, ये बड़ी सरलता है उसमें। अर्थ के मामले को लेकर, स्वभाव के मामले को लेकर, यदि एक अरबपति किसान वहाँ ट्रैक्टर लेकर जा रहा है, यदि वहाँ 2 व्यक्ति खड़े हैं और लिफ्ट मांगते हैं, आप देखना अन्य लोगों से अलग मिलेंगे आपको, रोकेगा जरूर, भाई कहाँ चलोगे, मैं मुझे कहाँ जाना है, ये नहीं सरलता, स्वभाव की सरलता, और समाज को साथ स्वभाव की सरलता की जरूरत है। कहते हैं DC की चपरासन, उसकी घरेलू पत्नी से कहीं ज़्यादा चतुर होती है, क्योंकि घरेलू पत्नी घरेलू परिवेश रहती है, वो DC की हो, PM की हो, CM की हो, GM की हो, चपरासन को दिन भर अनेक दिमागी कौशल दिखाने होते हैं उसका कार्यालय के अंदर, कब किसी को बुलाना है, कब किसी को वहाँ से भेजना है, ये नहीं, वो खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में आ जाती है और ज़्यादा काबिल हो जाती है, गुणी बन जाती है चतुराई की भी, तो वही बात है, घरेलू औरतों से ज़्यादा वो चतुर कुशल हो जाती हैं, बेबाक हो जाती हैं बोलने में। तो वही बात मैं जो कहना चाहता हूँ, किसान को सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, और मैं प्राइवेट सेक्टर जो बढ़ा रहे हैं, खुद हमारी सरकारी बाबार करी बैंकों निजीकरण, उस पर ही जा रहा हूँ कि हम वैचारिक डिबेट करेंगे। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर्दी में तपने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए चैनल लड़ाई लड़ेगा और सकारात्मक लड़ाई लड़ेगा, जिसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, सर झुकाकर आएगा, अगर कुछ कहने के लिए आएगा तो। समर्थन आवश्यकता विरोध माने का स्थान नहीं है। सबसे पहले मैं आज प्राइवेट सेक्टर्स के बैंकों से कहूँगा कि किसानों से हाथ मिलाएं, किसान भगोड़ा नहीं है, किसान जायदाद के साथ भी है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं उसके ऋण में। हमारे भारत के देशी साहूकारों को पता था कि सब जा सकते हैं, किसान नहीं। किसान को जब ललकारा जाता था कि भैया पैसे कब दोगे, हमेशा जवाब दे नहीं भाई कि कब दूंगा, और 7वीं पीढ़ी में भी अगर कोई सक्षम बनकर उभरा तो उसने उस ऋण को चुकाया, कि हमारे माथे पर कलंक है, दादाजी से नहीं बन पाया था, परदादाजी से नहीं बन पाया था, ये कहकर हम माफ़ी मांगी समाज से कि वो मजबूरी पता नहीं क्या करा थे। तो किसान भगोड़े पर विश्वास नहीं करता, इनके अंदर ये सादगी सरलता आपको लाभ देगी, और हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार बड़ी तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ मैंने पहले भी कहा था कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया प्राइवेटाइजेशन बल पर मजबूत हुए खड़े हैं, जापान, परंतु एक सुरक्षित प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है। अभी मैंने ऋण को लेकर कहा, वो नहीं चाहते कृषि ऋण देना,
वो सिर्फ सेवारत और सैलरीड लोगों से बाहर ही नहीं आना चाह रहे, इसके अलावा किसी प्रकार ऋण देना पसंद नहीं कर रहे। उनकी पॉलिसी ऐसा है कि सबसे सुरक्षित ऋण ये है कि 2 और महीने की सैलरी से काट लो, कुछ सोचने नहीं। तो मैंने लिए इन लोगों के लिए सबसे बड़ी सुनिश्चित करने की जो बात है वो सस्ती दर पर ऋण। आजकल डिपॉजिट 4% तक लाने की कोशिश कर रही है सरकार, डेवलप कंट्रीज में से होता ज़्यादा नहीं है। हमारे काफ़ी जो धन बाहर गया हुआ है ये छोटे जमाकर्ताओं को सुरक्षित किया जा सकता कुछ हद तक, बाकी बड़े जो डिपॉजिटर हैं, बाजार विकसित होते अर्थव्यवस्था धीरे 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 चलने लग जाएगा और उसमें ये लोग इधर ही आ जाएंगे। बैंकों को काफ़ी जमा पूंजी मिलेगी और ऋण के लिए उनको स्थान चाहिए और सबसे सुरक्षित ऋण स्थली किसान है। इसके लिए राज्य सरकारों को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में किया था, शिक्षा ऋण के मामलों की सरकार गारंटी देगी, तो प्राइवेट बैंकों को सरकार को गारंटी देनी पड़ेगी। यदि हमारे हमारा प्रशासन या व्यवस्था ऋण की उगाही नहीं कर पाएगी किसान से, तो बैंक सुरक्षा चाहेंगे और सरकार को इसमें भूमिका निभानी पड़ेगी। तो निजी क्षेत्र बैंकों को किधर सरकार ले जा रही है वो उस पर निर्भर, परंतु किसानों यानी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का बहुत बड़ा मामला होगा। निजी क्षेत्र में जमा पूंजी का लोगों को विश्वास उठता है, जमा करते हुए घबराते हैं कभी बैंक भग जाए, कभी दिवालिया हो जाए, कभी डिफॉल्टर हो जाए। तो सरकारी व्यवस्था से इतना जल्दी हाथ खींचना सरकार के लिए इसलिए संभव नहीं है कि हमारे यहाँ जो धोखाधड़ी की व्यवस्था है उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर रखे। तो मेन रूप से मैं धोखाधड़ी वाली बात पर तो बाद में आऊँगा। सरकारी क्षेत्र का प्रभाव बैंकों में सरकार अपनी भूमिका बनाए रखे और किसानों को ऋण सुनिश्चित करे। सरकार के पास टैक्स के रूप में बहुत बड़ी राशि आएगी क्योंकि बाजार में उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो अपना प्रदर्शन करेगा, आर्थिक प्रदर्शन, और उसके आर्थिक प्रदर्शन से राष्ट्रीय जीडीपी जो असली ओरिजिनल जीडीपी बढ़ेगी, ओरिजिनल निवेश बढ़ेगा, और उसके बाद में उसकी जो दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ा उत्पादन होगा मंडी और विपणन की सहायता बाद की बात है। तो सरकार के सामने दो ही काम हैं और दोनों किसान समाज और उसके लिए बिल्कुल सब कुछ पलट कर रख दें। राष्ट्रीय विकास की चर्चा राष्ट्रीय विकास परिषद में जो हूँ अंतर्राज्य विकास परिषद, तो इसमें खुलकर आए और प्रबंध की छत्तर और सकारात्मक सोच के पॉलिटिशियन अधिकारी जो भी लोग हैं, मैंने पहले कहा था पॉजिटिव प्लानिंग जो है वो प्रॉफिटेबल होती है, आए ऋण का प्रभाव लोगों के पास खुद का अपनी जेब से दें, जिनके पास लिक्विडिटी है वो उसको दबा कर न बैठे। एक बार किसानों के लिए अच्छे से ऋण का प्रवाह तेज करके और उसके बाद में जो उत्पादन होगा उसको मार्केटिंग के लिए भी सहायता करनी पड़ेगी। दो ही काम सरकार और जो संगठन जितने बात करें, सिर्फ किसान की दो आवश्यकते हैं, सभी बात सवताल हो जाएंगे। इन दोनों के लिए आगे बढ़ें और संस्थानों में और सदनों में चर्चा की जाए और इस बात को बल दिया जाए, क्रियान्वित की जाए, लागू की जाए, इम्प्लीमेंट की जाए। धन्यवाद।